आजकल कुछ ऐसे बाबा अत्यंत प्रसिद्ध हो रहे हैं जो भक्तों के पूछने से पहले ही उनकी समस्याओं को कागज पर लिख देते हैं, फिर बाद में कागज दिखाकर कहते हैं कि देखो हमें पहले से ही पता था कि तुम यही पूछोगे। ऐसे चमत्कार देखकर मन में से केवल एक शब्द फूटता है, गजब। चमत्कारों से केवल एक बात का पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा विज्ञान या तरकीब है जिससे यह लोगों का मूर्ख बना रहा है। अध्यात्म का अर्थ चमत्कार करने की कला नहीं होता, चमत्कार तो विज्ञान से भी हो सकते हैं। जब जगत में जन्म पाया है तो सुख और दुख तो भोगने पड़ेंगे और एक दिन यह शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। किसी के भूतकाल को जान लेना या किसी का भविष्य बता देना आध्यात्म नहीं है। जिन व्यक्तियों ने तंत्र साधना करी है अथवा तंत्र विज्ञान को समझा है, उन्हें पता है कि शरीर के तल से ऊपर बहुत सी अवस्थाएं हैं जहां मृत आत्माएं, प्रेत अथवा पिशाच जैसी अवस्थाएं या योनियां होती हैं। कुछ तंत्र उपासक ऐसे जीवों को अपने वश में करके उनके सहारे चमत्कार करते हैं और दुनिया को यह दिखाते हैं कि उनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो सीधे भगवान ने उन्हें दी है। ऐसी मायावी शक्तियाँ तो राक्षसों के पास भी होती थी जिनके बल पर वे खुद को भगवान मानने लगते थे, किंतु उनका अंत सदा बुरा होता था। पितृ पक्ष में पितृ पूजा से संबंधित अध्ययन करते समय मैंने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा तो उसके अर्थ की गहराई में एक ऐसा वृतांत पढ़ने को मिला जिसने मुझे कुछ ऐसी बात समझाई जो सभी को समझनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को अन्न और जल अर्पण करते हैं, किंतु साथ ही उनसे यह कामना भी करते हैं कि वे हमें धन समृद्धि दें। ऐसी सकाम पूजा अर्थात कामना मन में रख कर करी गई पूजा आपको ऐसे गर्त में धकेल सकती है जिसका पछतावा आपको मृत्यु के बाद हो सकता है। पितृ योनि में रहना अपने आप में आत्मा का भटकना व तड़पना है जिसमें हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। पितृ योनि में भटकने से अच्छा मोक्ष को प्राप्त होना या पुनर्जन्म लेना है। पितरों के बारे में किसी ने बहुत अच्छे से समझाया है, अपने पूर्वजों की भटकती आत्माएं पितृ कहलाती हैं, जबकि दूसरों के पूर्वजों की भटकती आत्माएं हमें भूत लगती हैं। भूत और पितृ में यही अंतर है, वे सभी मृत आत्माएं ही हैं, किंतु जिन्हें हम अपना समझते हैं वे हमारे लिए पितृ हैं, किंतु दूसरों के लिए वो भूत या मृत आत्माएं ही हैं। पितृ पक्ष में उन आत्माओं को केवल अन्न और जल अर्पण करके केवल उनकी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। यह श्लोक भगवद गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजनोपि माम। अर्थात सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का अर्थ यदि आप थोड़ा गहराई से समझेंगे तो समझ आएगा कि सारा खेल भाव का है, निष्काम भाव और सकाम भाव। यदि आप किसी भी देवता पितृ या भूत प्रेत की उपासना इस आशा से कर रहे हैं कि वो आपको सुख समृद्धि सौभाग्य या धनैश्वर्य देगा तो हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, किंतु अंत समय में वही देवता पितृ या प्रेत आपको अपने लोक ले जाएगा और आपको भी वही बना देगा। इस श्लोक का मर्म यदि समझे तो इसमें किसी पितृ की उपासना को मना नहीं किया गया है, किंतु भाव पर ध्यान देने को अवश्य कहा गया है। यदि आप पितृ की सकाम भाव से उपासना करेंगे तो फल तो मिलेगा, किंतु अंत में आप भी पितृ लोक में ही भटकेंगे। किंतु यदि आप निष्काम भाव से पितृ पूजन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा और केवल आपके पितरों की आत्मा को तृप्ति का बोध होगा और यह तृप्ति ही असली तर्पण है। इसलिए पितृ पक्ष में अपने व्यक्तिगत लाभ जैसे सुख समृद्धि पाने के भाव से पूजन न करें, अपितु इस भाव से करें कि आपके और सभी के पितरों को शांति व तृप्ति मिले और वे पितृ लोक से आगे मोक्ष को प्राप्त हों। इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए स्वामी राम सुखदास ने एक सत्य वृतांत सुनाया है जो इस प्रकार है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्णपिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है।
उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो, तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्णपिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। बाद में जब उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत पता लगा कि जब वह अपना अंतस्मय जानकर नर्मदा में जाने लगा, तब कर्णपिशाचिनी सूक्री बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्णपिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्णपिशाचिनी ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं और पितरों में यदि भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध व तर्पण करना अर्थात उनको पिंड दान करना या अन्न जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। स्वामी राम सुखदास के इस सत्य वृतांत को सुनकर यह तो पता चल गया कि चमत्कारों के पीछे कौन सा तंत्र विज्ञान काम करता है, और ऐसे चमत्कारों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन योनियों वाले जीव अपने किए हुए उपकार के बदले में अंत में आपसे क्या कीमत लेंगे यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए चमत्कारों से दूर रहें, असली अध्यात्म और ज्ञान के साधक बने और उस ब्रह्मा तत्व पर ध्यान लगाएं जो परम सत्य है और जो मोक्ष व मुक्ति का असली मार्ग है।